अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो ना हमारे क्लासमेट्स के लिए है, जो ना कुछ वीक से तकरीबन एक दो वीक हो गए हैं पेपर्स दे रहे थे, तो आज उनकी लास्ट पेपर थी। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उनके पेपर्स कैसे गुजरे और दरमियान में एक गैप आ रही है तो उन्होंने कहाँ की प्लानिंग की हुई है। तो नाज़रीन अब हम जो ना इसरार भाई के साथ मिले हुए हैं। तो इसरार भाई, आपके पेपर्स कैसे गुजरे और अब आपको क्या महसूस हो रहा है? सबसे पहली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पेपर तो बहुत अच्छे गए, और पेपर तो ज़्यादा डिपेंड होते हैं मेहनत पे, और मेहनत हम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पेपर तो बहुत अच्छे जाएंगे। और अभी जो पेपर जितने भी गुजरे हैं और आज का पेपर स्पेशली तो टफ था, लेकिन इंग्लिश को हमने ईजीली मतलब कर लिया, तो थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ना अब पेपर्स ख़त्म हो गए, बीच में जो ना अब गैप भी आ चुकी है 10-15 दिन का, तो आपने कहाँ की प्लानिंग की हुई है? घर में रहेंगे या कहीं घूमने जाएंगे आप? नहीं यार, घर में क्यों रहेंगे, वैसे हम घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए हैं, और एजुकेशन ने थोड़ा सा बर्डन कर लिया था माइंड में, तो हमने ये सोचा कि हम टूर लगा लेंगे कराची सिटी का, और कराची सिटी में फैमिली भी है, वहाँ पर इंशाल्लाह टूर करेंगे, पिकनिक करेंगे, जहन फ्रेश करने के बाद इंशाल्लाह फिर नया सेमेस्टर के लिए एक नई सोच के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरार भाई। अब हम अपने दोस्त सलमान भाई के साथ मिल गए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि उनके पेपर्स कैसे गुजरे और उनको अब क्या महसूस हो रहा है, तो उन्होंने और प्लानिंग क्या कहाँ की हुई है, तो आइए पूछते हैं इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पेपर बहुत अच्छे गुजरे हैं, मतलब सारे पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सब ठीक गुजरे हैं। अभी पेपर के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि 3 महीने के बाद मैं अपने इलाके में जाऊंगा। अभी पेपर के बाद इंशाल्लाह मैं अपने इलाके में जाऊंगा, फिर उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह फिर मेरा इरादा है वापसी, यहाँ पर आने का कुछ काम है, इंशाल्लाह फिर मैं वापसी इधर ही आऊँगा। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास पहुँच गया हूँ, तो उनसे पूछते हैं इस हवाले से, तो उनकी क्या राय है। जी वारिस भाई, आपने मेरा क्वेश्चन तो सुन लिया था, पहले मैंने आपको बोला था, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पेपर तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे गुजरे हैं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और आगे की प्लानिंग ये है कि हमारी कि हम अपने घर जाएंगे उस्ताद मोहम्मद, क्योंकि हमें 3 महीने हो चुके हैं कि यही रह रहे हैं, और बहुत खुशी है घर जाने के लिए, और प्लानिंग ये बनाई हुई है कि शायद पंजाब घूमें ट्रिप में, ट्रिप वगैरह भी लगाएंगे दोस्तों के साथ, हमारी यही प्लानिंग है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस। नाज़रीन अब हम शाहनवाज भाई और यासिन भाई के साथ मिल चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं इस हवाले से कि उनकी क्या राय है। तो शाहनवाज भाई, आज हमारा लास्ट पेपर थी, और जो है ना आप लोग अब पता है कि पेपर्स के बाद जो है ना छुट्टियाँ भी हो जाती हैं कुछ दिन की, तो आपने क्या सोचा हुआ है पेपर के बाद कहाँ जाने का, कोई इरादा है, प्लान किया हुआ है या नहीं, और आपके पेपर्स कैसे गुजरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेपर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, सिवाय एक पेपर के, आप लोग बखूबी जानते होंगे कि फाक स्टडी जो कि हमारा रिस्पेक्टेड टीचर सर गुलाब था। अच्छा, बात रही बात छुट्टियों की, तो इंशाल्लाह फ़िलहाल बैग उठा है, अभी निकलेंगे इंशाल्लाह घर की तरफ, फिर फिलहाल डिसाइड तो नहीं किया, दोस्तों के साथ मिलकर इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना होगा कहाँ नहीं जाना होगा। ओके, थैंक यू। तो यासिन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं चलिए इस हवाले से। यासिन भाई, तो हमारे आप देख सकते हैं हमारे पेपर ख़त्म हो गए, अभी इंशाल्लाह इरादा है कि जाएंगे छुट्टियों पर कुछ घूमने इधर उधर इंशाल्लाह। आपके पेपर कैसे गुजरे ये बताएं? पेपर अच्छे हुए, बहुत ज़बरदस्त, आज मैथ का पेपर था, थोड़ा मुश्किल था पर अच्छा हुआ माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत। हम रहमान भाई के साथ मिले हैं, तो इनसे पूछते हैं इस हवाले से। तो रहमान भाई, हमारे पेपर्स आज लास्ट पेपर थे, और जो है ना आप बता सकते हैं कि आपके पेपर्स कैसे गुजरे और अब जो ना आपने क्या प्लानिंग की हुई है, कहीं आउटिंग की या आप घर में रहेंगे? याद देखें, पेपर तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छे आए हो गए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, अभी देखते हैं सर क्या मार्क्स देते हैं, बाकी प्लानिंग यही है कि घूमेंगे फिरेंगे, फिर अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह फिर वापस यूनिवर्सिटी का मुंह देखेंगे। हाँ, और हमारा प्रोग्राम है उस्ताद मोहम्मद का सिंध का, इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो हम लोग सिंध में घूमेंगे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत। हम अपने दोस्तों के साथ मिले हैं, निज़ाम भाई और जो है ना मुइन भाई के साथ, मरी जो मशहूर है मरी के नाम से जो है ना, तो अब हम इनसे पूछते हैं इस हवाले से उनकी क्या राय हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मरी से पूछते हैं कि मरी भाई, आपके पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं, आज लास्ट पेपर थी हम सब की, तो आपके पेपर्स कैसे गुजरे और अब आपने क्या प्लानिंग की हुई है, कहाँ जाने का, आउटिंग का या कहीं घर जाओगे, तो इस हवाले से आप क्या बताते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर बहुत ही अच्छे गुजरे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार जीपी अच्छा हो जाएगा, और इसके बाद बस अभी हमारा ये इरादा है कि इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल 10 दिन की छुट्टियां हैं, थोड़ा घर जाने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा।
फिर इंशाल्लाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निज़ाम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पेपर्स चल रहे थे माशाल्लाह ठीक ठाक, हमने अपने पेपर्स दे चुके हैं, आज हमारा लास्ट पेपर है, तो कल से इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने इलाके, कुछ चक्कर वगैरह लगा के वापस आएंगे, 10 दिन का हमें छुट्टी आना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अजमल भाई के साथ मिले हैं, तो उनसे पूछते हैं इस सवाल से, तो आज हमारा लास्ट पेपर था और अजमल भाई से यही पूछना चाहते हैं कि उनके सारे जो पेपर्स थे वो कैसे गुजरे। तो अजमल भाई, आप बता सकते हैं आपके पेपर्स कैसे गुजरे, और अब पेपर्स के बाद जो है ना 15 दिन का गैप भी है, तो आपने क्या प्लानिंग की हुई है, कहीं जाने की या यूनिवर्सिटी में रहे? अल्हम्दुलिल्लाह पेपर तो सारे अच्छे गए, आप लोग जानते हैं, आपको आज के पेपर को छोड़ कर बाकी सारे पेपर अच्छे गए, क्योंकि आज का पेपर ही ऐसा था मैथमेटिक्स जो हमारे लिए बहुत वीकनेस था। सो छुट्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, छुट्टियों के ये है कि घर जाने की खुशी भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम घर जा रहे हैं, और आप लोगों को छोड़ने का दुख भी है। अरमा भी लोकल यूनिवर्सिटी में जितने भी टाइम गुजारे हैं वो सारे याद आएंगे, वो कहते हैं ना वो पल में याद आएंगे ऐसा है। और बाकी सर विश करते हैं कि रिजल्ट अच्छा हो हमारा, पेपर तो सही गए हैं आज के पेपर को छोड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अब हम अमर भाई के साथ मिले हैं, अमर को आप काफ़ी जानते हैं, हर व्लॉग में मेरे साथ होते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो इनसे एक जो है ना मेरा एक सवाल है कि आज उनकी और हमारा जो है ना लास्ट पेपर था, तो इस हवाले से उससे पूछते हैं कि उसके पेपर सारे पेपर्स कैसे गए, और जो ना पेपर्स के बाद कुछ दिन का गैप है, तो गैप में उन्होंने क्या प्लानिंग की हुई और कहाँ वो जाना चाहते हैं, तो मज़ीद इनसे पूछते हैं। वालेकुम सलाम खलीफा भाई, थैंक यू सबसे पहले कि आपने मुझे ऐसा वाकाबिल समझा कि आप मुझे अपने व्लॉग में शामिल कर रहे हैं, और मैं ये पता चलूँ कि जितने भी अभी वीडियोस भरी हैं सारे मैंने भरी हैं, तो इसका क्रेडिट मुझ पे जाता है। तो खलीफा का जो पहला सवाल था कि आपके पेपर कैसे गए, तो पेपर तो सही गए, लेकिन पेपर के सबसे पहले आपको पता चलूँ कि पेपर जो होते हैं आप पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जितनी कोशिश की हुई और आपके 100 से 80% कोशिश की है, तो आपके मार्क्स भी 80% आएंगे। और किसी ने खूब कहा है कि आप अपनी तरफ से 100% कोशिश करो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, एक अचीव करने के लिए, बाकी जो इसका रिज़ल्ट होता है, बाकी जो उसके जो रिज़ल्ट होता है वो अल्लाह पर छोड़ दें आप भाई, इससे हो सकता है कि अच्छा। अच्छा खलीफा, आपने सवाल पूछा कि छुट्टियों में हम कहाँ जाएँगे, मेरा और मेरे दोस्त जो फ्रेंड गैदरिंग है उनका ये प्लान है कि हम आल पाकिस्तान टूर पर जाएँ, क्योंकि अभी जो है सर्दियाँ कम हो रही हैं, तो बाड़ी पहाड़ी इलाकों पे शुमाली इलाकों में जो है बर्फ़बारी भी रुक चुकी है, और हो सकता है कि अभी उसका जो पानी जो है वो दरियाओं की तरफ आए, और इस वजह से दरिया भी पानी ज़्यादा आ जाएगा और सब्ज़ा की भी। तो मैं ये बताते चलूँ कि सब दोस्तों से जो है ना हमने पेपर्स के और जो है ना आउटिंग जो मतलब छुट्टियाँ हैं उनके हवाले से बहुत कुछ क्वेश्चनिंग की, सब ने अपनी अपनी राय दी, तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि जो पेपर्स थे हमारे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गए, हमने अपने भरपूर मेहनत की थी, हमने बहुत कोशिशें किए अपने तरफ से, तो अच्छे पेपर दिए, अब मज़ीद हम यही ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो है ना अच्छी आ जाए। और जो है ना आउटिंग का और जो छुट्टियों का, तो मैं ये बताते चलूँ कि मेरा तो ख़ास इरादा नहीं है बाहर जाने का, लेकिन विंदर ही एक ऐसा पिकनिक पॉइंट जगह है खुद ही, तो मैं क्योंकि उधर ही रहता हूँ, तो मैं वहाँ पे जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, अगर मज़ीद मुझे बाहर घूमने का मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं चला जाऊँगा खुदा की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जो है ना हमारी वीडियोज़ को देखने का।